साथियों, मैं दिनेश अग्रवाल मिलन अभिव्यक्ति वीडियो की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे साथी श्री अशोक महेश्वरी साहब हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में आपने ज्वाइन किया था और 2017 अप्रैल 2017 में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त हुए। श्री महेश्वरी साहब, आज आपकी शादी की वर्षगांठ है, इस अवसर पर मैं मिलन की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद आपको। महेश्वरी साहब, मैं आपसे जानकारी जानना चाहूँगा कि आपकी शादी किस तरह से हुई थी, मतलब उसका प्रसंग क्या हैगा आपका, मतलब किस तरह से आपने क्या अरेंज हुआ, किस तरह से भाभी जी के आपकी क्या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है और किस तरह से हुई, उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप से हमको बताएं। एक्चुअली मेरी तो अरेंज मैरिज थी और मैंने 84 में बैंक ज्वाइन की थी, अप्रैल तो जुलाई 87 में मेरी शादी हुई थी, 1 जुलाई को ही आज ही के दिन हुई थी मेरी शादी। और एक्चुअल में अरेंज मैरिज थी और मेरा जो ससुराल है वो उज्जैन है और अरेंज मैरिज के हिसाब से जिस तरह से शादी होती है उसी तारतम से शादी हुई है वो आज ही तरीके। कोई आपको स्पेशल प्रसंग उस समय का याद आ रहा भाभी जी आपको कोई ऐसा प्रसंग आ रहा कि ये देखने आए, जो बोल रहे हैं कि अपनी ट्रेडिशनल थी देखने आए, इस दौरान कुछ ऐसा कोई प्रसंग जो रोचक प्रसंग हो तो हमको बताएं, आप लोग शेयर करें। हमारा एक ही रोचक था, शादी के पहले हमने मिलने की बहुत कोशिश करी, वो बहुत घर वाले मना करते हैं, बोले कि नहीं हम नहीं मिलने देंगे और हमने खूब कोशिश करी। फिर इनकी मासी को पटाया, मासी को पटाने के बाद फिर मैंने बोला अच्छा मैं इंदौर बुलाती हूँ और मैं फिर ये इंदौर आई और मैं इंदौर आया और फिर हम दिन भर साथ में रहे। अरे वाह, मतलब ऐसा चिट्ठियां तो लिखते ही थे उस समय, खूब सारे लेटर लिखते थे रात दिन। जी जी, भाभी जी आप बताइए, ये जो बता रहे हैं ये सही है क्या कि आपको इंदौर, आप कैसे आ गए इंदौर, फिर आप भी बताइए। नहीं, मेरी मौसी के पास शुरू से रही, फिर मौसी को बोला कि मिलना है तो मौसी ने मम्मी को बोला कि आजकल सब चलता है अपने ज़माने का, ठीक है इंदौर भेजिए, तो मौसी के यहाँ बचपन से रही तो मौसी के आई मैं, फिर हमारा मिलने का रहा। अरे बहुत ही रोचक प्रसंग बताया आपने उस जमाने के हिसाब से, और तो काफी मिलना बड़ा मुश्किल था। हाँ, मिलेंगे एक बार तो मिलेंगे। तो भाभी जी आपको ये जो 32 साल आपके जो शादी के निकले हैं तो इसमें आपको कैसा लगा? महेश्वरी साहब तो हमेशा बैंक में अपना चल नौकरी करते रहो और आपने गृहस्थी संभाली होगी, तो आपको कैसा लगा ये जो 32 साल निकले आपके या जो 30 साल निकले? लगा तो अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब अभी लास्ट में जब जावरा पोस्टिंग रही जी, जब जरूर बहुत अखरी कि 2 साल तक बहुत ज़्यादा परेशानी आई कि जावरा जाते थे 3 बजे से, शाम रात को आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, इधर बच्चों की शादी का समय आ गया था, वो प्रसंग थोड़ा सा टिपिकल रहा। जी जी जी, हाँ ये इस समय जब अपनी दायित्व के और जब आवश्यकता रहती तो हम लोगों की नौकरी में अधिकतर को इस तरह को फेस करना पड़ा, इसलिए हम लोग यहाँ से गए भी नहीं कि बिटिया नौकरी कर रही थी। जी जी जी, और बीच में बेटे की शादी आ गई थी तो वो थोड़ा सा संघर्ष रहा, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो महेश्वरी साहब, जैसे आपने बताया कि आपकी बिटिया भी नौकरी में और बेटा भी नौकरी में है, तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से बताएं, अपने बच्चों के बारे में जानकारी दीजिए थोड़ा। मेरे बालक ने बी किया है और वो एक्चुअल में अभी पुणे में टेक महिंद्रा में इंजीनियर के पद पर है और उसकी जो मिसेज है वो भी इंजीनियर है और वो दोनों वहीं पुणे में ही जॉब करते हैं। और मेरी जो बिटिया छोटी बिटिया है उसने MBA किया हुआ है और यह प्रेस्टीज से किया इंदौर से और यह इंदौर में बेस कैंप में ही वो जॉब कर रही है और वो काफ़ी मतलब कॉलेज से ही उसका प्लेसमेंट हो गया था एक्चुअल में, तो वहीं से यहीं पे वो इसके नंबर 78 में बिलियंड में जॉब करने जा रही है, अब उसकी शादी करना है, उसी की कोशिश है बस। हाँ अच्छी बात है, आप अपनी कोशिश करिएगा और हमको शादी में बुलाना ना भूले। बिल्कुल, आप तो हमारे सभी परिवार के सदस्य ही हो, मतलब ये ठीक है, अच्छी बात है, उनके अच्छे आपके दोनों बच्चे अच्छे सेटल हुए हैं, ये एक अच्छी खुशी की बातें हैं। और अब आपको कैसा क्या लग रहा है, आपका रिटायर्ड लाइफ और हैप्पी मैरिज लाइफ कैसी लग रही है आपकी? दोनों लग रहा है, आपके चेहरों से लग रहा है कि आप लोग हैप्पी बहुत हैं, इसलिए बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मतलब पहले तो टाइम दे नहीं पाए, अभी भी कहते हैं अभी लोग बात क्या करें, कुछ करो, काम करो, आप भी नौकरियाँ कर लो, ये कर लो, पर मैंने कहा हमने जो 30 साल हम लोगों ने जो टाइम नहीं दिया घर में, अब हम नौकरी कर लेंगे तो वापसी टाइम देना पड़ेगा, फिर टाइम देने का रहेगा ही नहीं, फिर मैंने लाइफ में बचा क्या है, तो कम से कम हम लोग परिवार के साथ, अब इनको जो समय नहीं दे पाए तो उनके टाइम दें, उनको उनके साथ रहें,
इसलिए मैंने मेरे को तो अभी कोई जॉब नहीं करना है, घर बैठे जरूर कोई घंटे दो घंटे अच्छा का काम करेंगे जी, और बाकी कोई नौकरी नहीं करेंगे हम। भाभी जी आपका क्या कहना है, आपने इनको बोला नहीं कि नौकरी कर लो या ऐसा कुछ कर लो, आपको क्या लगता है? नहीं नौकरी करना तो नहीं, ये जरूर बोला कि दो एक घंटे कुछ काम करें तो थोड़ा सा बिजी रहे। आपको ये लग रहा है कि अभी भी बाहर थोड़ा सा बाहर तो नहीं रहे पर दो एक घंटे जैसे कुछ काम मिले तो बिजी रहे, नहीं तो ठीक है। हमारे लोगों के जॉब ऐसे ही रहे भाभी जी कि हम लोग बाकी तो क्या है, अच्छा है इस माने क्या है, घर पे समय दे पाते हैं, घूमने जा सकते हैं आ सकते हैं। अभी तक तो क्या है सोचते थे कि छुट्टियां मिल रही है, नहीं मिल रही है, अभी नहीं जाएंगे है। तो अब आपको ज्यादा आनंद आ रहा है, मतलब रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। अब ये सोच रहे हैं कि जो लाइफ है अच्छे से जी बिताओ। हाँ जी चलिए बहुत बहुत मतलब आप लोगों का और कोई प्रसंग कोई बात आपको अपने इसमें लाइफ की बतानी इम्पोर्टेंट जो ऐसा लगे कि लोगों से शेयर करें, या कोई अपनी ऐसी अपनी कोई समस्या से रही हो जिसमें आप ओवरकम हुए हों, कोई ऐसी समस्या है जिसको अपने को नौकरी में रहते हुए अपने को जैसा लगा हो, ऐसा कुछ बात हो तो आप बताएं थोड़ा सा। ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी जॉब बहुत लेट लगी एक्चुअली, और मैंने बहुत संघर्ष किया उसके बाद मेरी जॉब लगी। मतलब मैंने कम से कम 3 साल बेरोजगार रहा और बहुत सारे इंटरव्यू दिए मैंने मेरी लाइफ में, कम से कम 250 से 300 इंटरव्यू दिए, इतने इंटरव्यू दिए हैं। पर मैंने एक काम किया कि मैंने हिम्मत नहीं मारी। इवन मैंने एक माल रोड पर इलेक्ट्रिक की शॉप थी वहाँ पर नौकरी करी, टीवी का टेक्नीशियन का कोर्स किया, बच्चों को पढ़ाया, मेरा खर्चा मैंने इंदौर में निकाला और यही एग्ज़ाम देता रहा मैं। और एग्ज़ाम देते देते ये रहा कि जब लास्ट में ऐसा लग रहा था कि हिम्मत हारी और तभी ये नौकरी का ऑफर आया। आप कितनी कितनी एक अच्छी बात बताई, देखिए इस प्रश्न में कि आपने उस जमाने में, आजकल बच्चे लोग बहुत जल्दी अपने आप को हार मान लेते हैं, आपने 250 इंटरव्यू दिए, 200-250 रोज एक इंटरव्यू, 200-250 इंटरव्यू दिए, आपने प्राइवेट अपना जॉब किया, अपने खुद के खर्चे निकाले, ये आपकी हिम्मत जाहिर कर दी कि आप अपने किस संघर्ष से यहाँ तक कि आप पहुँचेंगे। मैंने मेरा ही खर्चा निकाला बाहर पूरा, ट्यूशन करता, इसके लिए आपको बच्चों को पढ़ाया करता रहता था, उसके हिसाब से फिर मेरा खर्चा भी निकालता और लास्ट में मेरी ये जॉब भी लग गई इसी के अंदर। आपको बहुत बहुत बधाई हो और मैं आप लोगों को पुनः बधाई देता हूँ आपकी इस 32वीं वर्षगांठ के ऊपर। धन्यवाद, सब लोग धन्यवाद देते हैं।